रविवार को अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन प्रधान डाकघर परिसर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का स्वागत किया गया। अधिवेशन का शुभारंभ नगर विधायक ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अधिवेशन में मंडलीय सचिव द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं सभा द्वारा पारित किया जाना, आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना और आम सभा में पारित किया जाना, संगठनात्मक पहलू पर विचार विमर्श सहित विभिन्न एजेंडों पर चर्चा किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए नगर विधायक ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर डीबी त्रिपाठी, क्षेत्रीय सचिव उमा शंकर सिंह, मंडल सचिव जनार्दन सिंह सहित अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांतीय सचिव अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डॉक्टर शेष मणि त्रिपाठी ने कहा, हमारे सहायक निदेशक शर्मा जी, सहायक निदेशक, तमाम मंडल हमारे करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस धरती पर, उनकी ओर से भी मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि पहले यहां पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट नहीं हुआ करती। आपको याद होगा उस जमाने में जब आप लोग अपने सांसद से मिला करते थे, उसके लिए प्रयास करते थे कि ये पोस्ट मास्टर जनरल का पद यहाँ स्थापित हो जाए। मुझे अभी भी याद है उस जमाने में माननीय योगी जी ने विधानसभा लोकसभा में आपके लिए प्रश्न उठाया था। वो मुझे लगता है कि 2003-04 का उस जमाने का दौर था जब मैं उनका लेखाकार हुआ करता था, ड्राफ्ट मैन। को बताऊं कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्नल त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और लखनऊ में बैठ करके हम लोगों की विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों में पूरी पर्याप्त रुचि लेते हैं। दो चार नई योजनाओं को सामने ला सकती है और अगर योजनाएं सफल हो जाएं तो मोदी जी को देर नहीं लगेगा उन योजनाओं को एडाप्ट कर लेने में और पूरे देश में लागू करने में। कर्मचारियों के बारे में, इन कर्मचारियों का तो बहुत दृष्टि से उपयोग हो रहा है। आज सच्चाई यह है कि सेंसस करने में, सर्वे करने में आपके विभाग की विश्वसनीयता नंबर एक पर है। दो बार दो साल में एक बार चुनाव होता है, इसको द्विवार्षिक अधिवेशन बोलते हैं। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन P3 गोरखपुर डिवीजन का यह द्विवार्षिक अधिवेशन है। कर्मचारी अपनी समस्याओं पर चर्चा पर चर्चा करेंगे, इसके बाद आगामी वर्ष के लिए दूसरी कार्यकारी का चुनाव होता है।